नमस्कार, मैं मनोज कुमावत, माँ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको चमा रामगढ़ लेकर आ चुके हैं, जो कि राजस्थान के जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो हम चलते हैं इस मंदिर में, तो हम पहले श्री भगवान राम सीता के दर्शन करेंगे और भक्ति संगीत का आनंद लेंगे। इस मंदिर के पास स्थित मेधाजी महल भी देखेंगे, तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जी हाँ, यही है जमा रामगढ़, जहाँ पर मेधाजी महल स्थित है। यह मंदिर और महल अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है, जैसा कि आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार जगह है ये। इसके जस्ट ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है, यही है मेघाजी का महल। तो हम चलते हैं मंदिर में दर्शन के लिए। यहाँ पर आज सुंदरकांड की जा रही है, यहाँ पर भक्तों की भीड़ है यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पर थोड़ी देर आनंद लेंगे, सुंदरकांड के आनंद लेते हुए हम मेघाजी महल पहुँचेंगे। ये मंदिर टोटल 12 साल हो गया, 12 साल हुआ ये मंदिर बने हुए, 12 साल हो गया। हम सेवा दे रहे हैं कि 10 साल से ये मंदिर में। टोटल ये मंदिर की जो बनाया गया, उसके पहले हनुमान जी मंदिर थे, हनुमान जी मोरी वाले हनुमान जी, बाद में ये मंदिर बना है। और पूरा जो लोगों की अवर जवर, आना जाना, सबका आपता स्वागता करना, ये हमारा धर्म के हिसाब से हम सब टेक केयर करते हैं सबके लिए।
समझते, और बहुत पुराना है ये क्षेत्र, पुराना है और मोर देन 1000 ईयर पुराना है। जैसे अपना राम, ये तो नया बना है, ये पूरा बिल्डिंग नया बना है, हाँ नया बना है, हाँ पुराना है, पुराना है, टोटल पुराना है, ये नया बना है। और ये टोटल मंदिर की शोभा है सब, इधर हनुमान जी मंदिर है, उधर है, ऊपर जो किला है, सब बहुत पुराना है, मोर देन 1000 ईयर्स, समझ। और ये हमारा जो टोटल जो आपका स्वागता भगवान का जो होता है, आकर्षण होता है, कई लोग आते जाते हैं, बाहर से आते हैं, जयपुर से आते हैं, पूरे ओवर ओवर द प्लेस से आते हैं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड प्लेस से आते हैं। और हमारा खुद का भी लॉट ऑफ फॉलोअर्स है, समझते। और उसकी जो रियली जो ब्यूटी है, जो ब्यूटी है, हम टेक केयर करें, अच्छी तरह टेक केयर करें, नहीं समझे आप? हाँ, हम तो एक हमारी तरफ से एक ही वर्ड देखते हैं, वर्ड देते हैं, मैन वॉज बॉर्न ही सफर एंड डाई, और लाइफ इज ब्यूटीफुल, हाउ टू एंजॉय इज मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर लाइफ। लाइफ सुंदर, कैसे एंजॉय करो, लोगों की आवर जवर आपता स्वागता, भगवान का भजन करे, आनंद करे, और कोरोना काल में और हैप्पी रहे, भी पॉजिटिव रहे। तो मंदिर की जो शोभा है, हम ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे भक्त आते हैं जाते हैं, भी पॉजिटिव थिंग्स हम देते हैं, जस्ट स्टैंडिंग द पॉजिटिव थिंग्स। तो पीपल जो आते हैं वो पॉजिटिव लेके जाते हैं, और कोई आशा लेके जाते हैं, वे आते हैं, उसका काम भी हो जाता है, समझते हैं। और हमारा वर्ड ये है, लोटस डजेंट गो टू बी, बट बी गो टू इट, बिकॉज इट हैज हनी टू गिव। इन द सेम वे, इफ वी लीड अ प्योर लाइफ एंड समथिंग गिव टू द वर्ल्ड, पीपल विल ऑटोमेटिक कम टू अस। और मेरा एक ही है, लाइफ इज ब्यूटीफुल, बट हाउ टू एंजॉय इट मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर लाइफ। लाइफ की सुंदरता वही है, सुंदर है, अच्छा है, कैसे इंजॉय करते हैं, मोर इम्पोर्टेंट थिंग फॉर लाइफ, समझते हैं। और दूसरी बात, जितने भी आते हैं, नॉट लुकिंग, आस्किंग और बेगिंग फॉर मनी, एंड नो नीड टू मनी, बिकॉज एवरीथिंग हियर द गॉड प्रोवाइड यू एवरीथिंग, नो नीड। वेन आई प्रे टू गॉड, वेन आई थिंक अबाउट ओके, एनी फॉलोअर्स कम ओवर, दे गिव टू समथिंग टू द गॉड, नॉट मी, एंड आई नो लाइक इट, समथिंग गिव टू मी, बिकॉज Always I hang with Lord Sri Ram, Lakshman, Janaki. धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए पंडित जी। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्टि जरी लाई, राम कहाँ सेवक ने बुलाई, प्रथम जगन आई जाई। सुरत वचन जय जय जन जाए, सुग्रीवी तुरंत वाए, पुण्य करो नानिधि भरत अंकारे, निज कर राम जटान वारे, अनवाए प्रभु तिनेऊ बाए, भगत वजल कोपाल रघुराई, भरत भाग्य प्रभु कोमल ताई, शेष कोटि जग रखई निगाई, पुरि निज जटा राम बिबराए, गुरु अनुशासन मागि नाए, करि मज्जने प्रभु भूषण साजे, अंग अनंग देखी जगलाजे, साजन चादर जानकी, मज्जन तुरन कराई, दिव्य वचन बरभूषण, अंग अंग सजे बनाई, राम मंगल हारे, दवडुत दशरथ अजर तिहारे, कवन चुका जय कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। तो आज हम आपको दिखाएंगे मेधाजी महल, यह जमा रामगढ़ में स्थित है। यह महल आज पूरी तरह से खंडहर में चेंज हो चुका है। यह 1000 साल पुराना महल है। यह महल जमा रामगढ़ में स्थित है। इस जगह का नाम जमा रामगढ़ इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर एक जमवाय माता का मंदिर है, इसी के कारण इसका नाम जमा रामगढ़ रखा गया। यह कछवा शासकों की कुलदेवी मानी जाती है।
आज यह किला पूरी तरह से खंडर में चेंज हो चुका है। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर नज़र आते हैं। यहाँ पे यहाँ की जो दीवारें हैं पूरी तरह से बिखर चुकी हैं, टूट चुकी हैं। यह एक ऐतिहासिक और शानदार जगह है। इस किले में जंगली कीकर के पेड़, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ नज़र आती हैं और यह किला इन पहाड़ियों के तलहटी पर स्थित है। ये आज पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। ये आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। ये दीवारें पूरी तरह से बिखर चुकी हैं। आज भी यहाँ का जो किले का जो रास्ता है बहुत ही साफ सुथरा नजर आता है। तो हम एंट्री कर चुके हैं इस किले के अंदर। आप देख सकते हैं चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें बनी हुई हैं। यह इस महल का मेन दरवाजा है जहां से हम एंट्री करेंगे और हम आपको इस महल के अंदर लेके जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यह महल पूरी तरह से खंडर बन चुका है। इस किले के आसपास में आज भी कई छोटे छोटे बावड़ियां हैं, मंदिर हैं, विशाल परकोटे हैं। इस किले की दीवारों पे आज भी दरवाजे झरोके बने हुए हैं। आज भी इन किलों में हमारी संस्कृति सभ्यता जीवित है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई किले हैं जो बुरी तरह बिखर चुके हैं, खंडर में चेंज हो चुके हैं। यह किला अपने जमाने का बहुत ही खूबसूरत किला रहा होगा जो कि आज पूरी तरह खंडर में चेंज हो चुका है।
यहाँ के लोग शायद इस किले को पुराना रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर सुरंगे ही सुरंगे हैं। देखिए, हो सकता है ये सुरंग भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम नहीं पहुँच पाएंगे। हमने अपना इरादा चेंज कर लिया, हो सकता है यहाँ कुछ भी हो सकता है, इसलिए हम वापस आने की कोशिश करेंगे। यार, रास्ता कहाँ जाता है हमें पता नहीं है। हम वापस आ चुके हैं और बाहर से ही इस किले को देखेंगे। हम इधर उधर जाने की कोशिश नहीं करेंगे, हो सकता है यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। इस किले में एक पानी का कुंड भी है, जो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। चारों तरफ पत्थर ही पत्थर बिखरे हुए हैं, दीवारें काली पड़ चुकी हैं। आज ये पूरा किला खंडहर में चेंज हो चुका है। जो हमारे इस वीडियो में नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। हम आपसे ऐसे ही वीडियो में फिर मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।